اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ اپ لوگ ٹھیک ہیں بہت ہی خوبصورت اور سنی قسم کا ویذر ہے یہاں پر بڑا مزے کا موسم ہے اور جو ہوا چل رہی ہے بڑی خوبصورت ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ وی لوگ ذرا کہیں باہر سے بیٹھ کے کرتے ہیں بڑا اچھا سا برنچ بڑا لائٹ سا برنچ جو انہیں جنوں کہتے ہیں گوریاں والا برنچ ایویں مطلب کھانے پینے کا نا ہی ہے پلیٹ دے وچ ایک ادھی بوٹی دے نال تے پتہ نہیں ساڈا تو اتنا دیسی دا پرندہ نہیں ہوگا نال سلاد دے دو پتے لیکن اگلے دا برنچ ہے بھائی اگلے دا لنچ ہے دا ਤੁਸੀਂ کرنا ائے سی کر لیا चलते हैं वी की तरफ दोस्तों एक तो आप लोगों से जो गुजारिश है वो ये है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और जिन लोगों ने कर लिया है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही प्रोग्राम अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए और उसके अलावा लाइक्स जरूर करें कमेंट्स जरूर करें अपनी कीमती राय से आगाह करें ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको शेयर करें ये मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों इमरान खान फितना था फितना रहेगा इमरान खान एक ऐसी नस्ल तैयार कर दी है जो फितना फैलाने पर यकीन रखती है बल्कि माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी है ये वो नसल है जो अपने बाप को गाली देते हैं और इमरान खान पर तनकीद करे मतलब अपना इनका सगा बाप भी अगर इमरान खान पर तनकीद करे ना या इमरान खान के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज बोले तो ये सगे बाप को भी गालियां निकालते हैं ऐसी नस्ल तैयार करके गया इमरान खान यही फितना ये फितना दुनिया भर में फैला हुआ है जज हमायों दिलावर और इमरान खान के क्रश का शिकार ना हुआ इमरान खान के केस को मैरिट पर सुना धमकियों के खातर में ना लाया इसलिए हमायों दिलावर पी को बुरे लगते हैं हमारियों दिलावर साहब ने इमरान खान को मेरिट पर सजा सुनाई है और अगर कसूर है तो इमरान खान के वकीले का जिन्होंने दुरुस्त अंदाज में एक तो दलाइल ही नहीं दिए दूसरा अगर देखा जाए तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि केस लड़ा ही नहीं है इमरान खान के जो वकील है वो केस लड़ने नहीं आते थे वो केस को सिर्फ पंजाबी के अंदर लमकाना आते सन कि केस को जितना लटका सकते हैं जितना केस को पंजाबी के अंदर फिर लमका सकते हो लमका लो केस लड़ना नहीं क्योंकि शायद उनको पता था कि ये केस जो है उसमें कुछ भी नहीं है इमरान खान के ऊपर शर्ट एंड ओपन किस्म का केस है इसमें इमरान खान आ, को जो है वो सजा होनी होगी सिर्फ अल्तवा करने की कोशिश की जाती है ये तो इसलिए ये कसूर आ, सिर्फ और सिर्फ जो है वो इमरान खान के वकीलों का किसी और का कसूर नहीं है दलायल देते तो शायद इमरान खान को सजा कुछ कम हो जाती है बहरहल पी टी आई अब इस चीज़ का गुस्सा जज साहब पर निकालना चाहती है इस मकसद के लिए नौ मई जैसी प्लानिंग की गई है इस बार इनकी प्लानिंग का शिकार हमायूं दिलावर साहब होने जा रहे हैं हमायूं दिलावर कल बरतानिया में एक कानूनी दरसगाह में अपनी जुडिशियल ट्रेनिंग के लिए गए हैं और ये मालूम पहले से तो अंदर से यूथियों को फ्राहम की गई होगी डेफिनेट है और इसके बाद पीटीआई को ये भी बताया गया कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं अब खुलेआम इन पर हमले की प्लानिंग हो रही है उनको बीवी बच्चों समेत हरासा करने की प्लानिंग बनाई जा रही है ये कुछ स्क्रीन शॉट है जो चल रहे हैं आप लोगों ने देखे होंगे जिनमें पी टी आई के मरू जो मारूफ इंतजारी बाकायदा तौर पर प्लानिंग पड़ते जा रहे हैं यही नहीं बरतानिया में पूरी पी टी आई एक्टिव है जज साहब जहाँ नजर आएंगे उनको हरासा करना है चूंकि वो बरतानिया है इसलिए वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकेंगे लेकिन फैमिली समेत किसी को हरासा करना मेरे ख्याल में दुनिया भर में इसको इससे एक बहुत बड़ी जो है वो एक तकलीफ समझी जाती है बरतानिया का लॉ ऐसे हैं लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा वो कुछ कर सकेंगे क्योंकि इस मुल्क में वो आए होंगे और अगर वो पुलिस को शिकायत करेंगे कि उनके उनके और उनके, 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 उनके बच्चों को फलां जगह से खतरा है आप देखें कल वो जो एक एक छोटा फितने का फितने की फितना है जो जिसको निशान या पता नहीं क्या नाम है उसका शयान नाम है शायद उसका उसकी अम्मा का पुराना क्रश था इमरान खान वो अम्मा अपने बच्चे को अम्मा खुद तो ना कुछ कर सकी इमरान खान के लिए उसने अपने बच्चे को आगे लगा दिया कि बेटा तूने इमरान खान के लिए कुछ करना है तो वो कल कह रहा था कि पहले मैंने इमरान नवाज शरीफ की नाक में दम किया हुआ है अब मैं जज दिलावर हमायों का जीना हराम कर दूंगा अगर वो यूके आ रहा है तो अब अंदाज़ा करें आ, मतलब ये वो नस्ल है जो इमरान खान ने तैयार की इमरान खान क्या कहा करता था कि बरतानिया में कानून बरतानिया की अदालतों के हमें किससे सुनाया करता था और यहाँ पर खुद देख लें वो क्या कर रहे हैं अपने ऊपर अगर वो कोई उन पे उन पे इल्जाम है और साबित हुआ उनको सजा हुई है तो बजाय उसको एक्सेप्ट करने के वो डरा धमकाकर उस सजा से बचने की कोशिश कर रहे हैं और जिस जज ने ये सजा सुनाई है क्या बरतानिया में उस जज के खिलाफ ऐसा कुछ हो सकता है जो पीटीआई पाकिस्तानी जज के खिलाफ करने जा रही है मैं समझता हूं कि इस फितने का खात्मा जितनी जल्दी हो उतना ही जरूरी है जो भी इंतजारी प्लानिंग कर रहे हैं जज साहब को हरासा करें इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके नाइकअप कार्ड शनाती कार्ड ब्लॉक होने चाहिए अगर इस फितने को रोकेंगे नहीं तो कल कोई भी जज मेरिट पर फैसला नहीं कर पाएगा इस माफिया को लगाम देना बहुत जरूरी है यह पहले से पाकिस्तानी हुकूमत को ऐलान करना चाहिए अगर यूके में इस किस्म का कोई भी बंदा जज साहब के खिलाफ कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसके जो कोफ हैं पाकिस्तान की तमाम की तमाम उसकी जायदाद जब्त की जाएगी उसका जो नेकअप कार्ड है वो कैंसिल किया जाएगा उसकी नेशनलिटी कैंसिल की जाएगी और फिर जो करना है करना है और साथ में यह भी कहा जाएगा कि पाकिस्तान में उसके खानदान के लोगों पर मुकदमे बनाकर अंदर फेंका जाएगा जब तक वो आकर अपने पाकिस्तान में गिरफ्तारी नहीं देगा अगर हुकूमत पाकिस्तान कुछ ऐसा करती है तो मेरे ख्याल में वहां पर ये कोई भी हरकत करने से पहले दो सौ पैंसठ दफा सोचेगा अच्छा जी अब जरा बात करते हैं पहली रात जो इमरान खान साहब की जेल में गुजरी है और पहली सुबह पहली रात इमरान खान को वैसी ही गुजरी जैसे वो अपने महालफिन के लिए जेल चाहता था बगैर ऐसी के नवाज शरीफ समेत देकर बंद करना चाहता था इसलिए सब नहीं किया अब अच्छा अब इमरान खान को अटक की इसी बैरक में रखा गया है जहां नवाज शरीफ को रखा गया था क्या किस्मत है क्या किस्मत है कि इमरान खान उस वक्त कितना खुश होता था जब ये चीजें आम, आम कैदियों की तरह मैट्रस तक या पंखा की सहूलत मौजूद है आम कैदियों वाला जेल का खाना दिया गया इमरान खान साहब को या तो खाएगा तो या फिर भूख हड़ताल पर जाएगा दोनों में से एक काम हो सकते हैं यह इमरान खान का बनाया हुआ कानून इमरान खान कहता था कि नवाज शिफ का खाना जो घर से आता है मैं बंद कर दूंगा तो अब इमरान खान साहब को अगर जेल का खाना खाना पड़े तो बहादुर बन के खाना चाहिए लीडरों की तरह खाना चाहिए साबित करना चाहिए यूथियों को दिखा दे कि मैं झुकने वाला सच्ची मुची नहीं हूं जेल के खाना खाने की आदत डालनी चाहिए नाश्ते में चेयरमैन को चाय पराठा और हलवा दिया गया ठीक है जी मेरे ख्याल में बड़ी सूरत दी गई है पीटीआई के मुकामी अहदेदारों और इमरान असेंबली जिला से गायब हो चुके हैं कोई इमरान खान की खैरियत तक दरियाफ्त करने नहीं गया कोई खाना देने नहीं गया सब एक दफा छोड़ गए हैं जेल में तभी मायना की टीम ने चेयरमैन पीटीआई को फिट करार दिया है जाहिर है जेल की जो टीम है उन्होंने चेक किया कि इमरान खान साहब फिट है क्योंकि वो एक रात पहले ही डोज ज्यादा ले चुके थे इसलिए तो कुछ इतने तो बड़े मिसाइल नहीं हुए और अगर इमरान खान को सहूलते चाहिए तो फिर टीवी अखबार किताबें ए सी रूम कूलर छोटा फ्रिज बिस्तर की सहूलत होम डिपार्टमेंट या अदालत की इजाजत से मशरूत की गई है बल्कि हाई कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा फिर इमरान खान को ये तमाम की तमाम जो है वो सहूलतें फ्राहम की जाएंगी इमरान खान को इंतहाई अकलमंदी से अटक जेल पहुंचाया गया इमरान के वक्ला का प्लान था जिस जेल ले जाया जाएगा वहां हंगामा करेंगे लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया कोर्ट मोमन से इमरान खान को लाहौर पुलिस ने एस एस पी ऑप्शनल इस्लामाबाद के हवाले किया हवालगी से पहले इस्लामाबाद पुलिस के तमाम अहलकारों से मोबाइल फोन ले ली गए रात दस बजे इमरान खान को डी पी ओ अटक के हवाले किया गया और फिर जेल की मंतकी हो गई अच्छा ये मतलब जाहिर है जी इमरान खान की जान भी इसमें मतलब देखनी पड़ेगी कि उनकी जान भी महफूज रहे मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब की जान जो है वो खतरे में हो सकती है ख़तरे में इस तरह हो सकती है कि जो इमरान खान साहब जा रहे हों रस्ते में उनके जो मतलब कुछ चाहने वाले या ना चाहने वाले या उनके वो जो पिशावर वाले हैं बॉर्डर पार वाले हैं वो इमरान खान को छुड़ा कर ले जाने का कोई प्लान बना ले तो उनकी जान को खतरा है इसलिए सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से किया जा रहा है उनको बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे रखा गया और लेके गए हैं हवाले किया गया इस किस्म किस किस्म की कोई मसला मसायल नहीं हुए हमद मीर साहब को हम लोग सब जानते हैं बड़े सहाफ़ी हैं लेकिन तो कभी कभी उनसे जसारत के साथ जो है ना वो अख्तिलाफ भी करना पड़ता है क्योंकि वो आ, बहुत दफा ऐसा हुआ है कि वो हमें उन्हें हम, हमने उनको देखा है कि वो तारीख की गलत सिमत में खड़े हुए पाए गए हैं इस चीज़ को लोग उनकी मुनाफकत से जोड़ते हैं मैं सख्त अल्फाज से तो ग्रेज करूँगा लेकिन मीर साहब के तर्ज सहाफत पर बात करूँगा जब इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो रहे थे हुकूमत में थे या फिर सबको धमकियाँ लगा रहे थे तब मीर साहब सिमत कोई और थी और जब वो गिरफ्तार हो गए हैं मैरिट पर सजा हुई है हत्या कि इमरान खान वाद वजीराज है जिसको आईनी तरीके से घर भेजा गया है अभी मीर साहब ने सीमत तब्दील कर ली है इमरान खान को मजलूम बनाकर पेश कर दिया यहां पर अर्ज करना चाहूंगा ये मीर साहब का पुराना तरीका वारदात है मुझे याद है जब लाल ऑपरेशन का मसला चल रहा था तब मीर साहब जिन्होंने मुशरफ को अ, मतलब इस हद तक किया था कि रियासत की रिट बहाल करें ऑपरेशन करें इनको दबा दें चंद लोगों से आप ब्लैकमेल ना हों ये आगे जाके बहुत बड़े मसले हम हम उनके टीवी प्रोग्राम देखते थे हम तो कैपिटल टॉक उस वक्त कैपिटल टॉक उस वक्त प्रोग्राम था जिसको पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा लोग क्योंकि ज्यादा टीवी नहीं थे जियो था ए था एक टी टीवी और था यही पूरी दुनिया में देखे जाते थे तो हम लोग बड़ी बाकायदगी से उनके प्रोग्राम देखते थे हमें याद है वो क्या क्या बातें किया करते थे और जब मुशरफ ने ऑपरेशन कर दिया हामद मीर ने मुशरफ पर बम कराने शुरू कर दिए सिमत तब्दील कर रही मुशरफ को ालम बना दिया मीडिया पर ट्रायल किया मैं मुशरफ की हमायत हर्ज जो मशरफ की हिमात तो मैं डेफिनेट बिल्कुल नहीं कर रहा लेकिन कम अज कम महमद मीर साहब जो है मैं उनकी आपकी उनकी जो सहाफत है वो आपको बता रहा हूँ मीर साहब की तर्ज सहाफत पर नून इनके अपने कोलीग आजाद से यह है फरमाते हैं कि मीर साहब सहाफियों के इमरान खान है ये सहाफत नहीं करते सच नहीं बोलते बल्कि रेटिंग के लिए सब बोलते हैं इनके लिए सच बोलना अहम नहीं है रेटिंग के साथ खड़े होना इनके लिए अहम है यानी जिस समत में रेटिंग है वहीं ये खड़े हो हैं मीर साहब की ताजा सिमत को शाह जेब ने काफी हद तक दुरुस्त किया हुआ है वो आप लोगों ने क्लिप जो है वो सुना होगा और मैं उससे बड़ा किसी अदक देखें ये जो नवाज शरीफ का और जुल्फकार अली भुट्टो का या बेनजीर या यादा गिलानी साहब का वो हवाला दे रहे थे देखें यूसर गिलानी को किस बात पे निकाला गया था क्या इस तरह करप्शन रंगे हाथों करते हुए उन्हीं के दौरे हुकूमत पकड़ा था किसी पे छियानवे का केस किसी पे अठानवे का केस किसी पे फिस हुकूमत को खत ना लिखने का केस और वजराए आजम को जो सजाएं दी गई थी तो क्या इमरान खान पर केस ये है नहीं इमरान खान का अपने दौरे हुकूमत में चोरी करते हुए पकड़े जाना और उनके अपने दौरे हुकूमत पर केस बनना इस बात पे इमरान खान को सजा है और फिर क्या इमरान खान को अभी तक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से कहां कहां से सोचते मौजूद है हो सकता है ये इमरान खान मेरी और आपकी खुशी दो चार दिन की इमरान खान तो कल छूट जाएंगे परसों छूट जाएंगे जमानत हो जाएगी लेकिन नवाज शरीफ को और यूथजा गिलानी साहब थे या भुटो साहब से इसलिए नहीं मिलाया जा सकता कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने सजाएं दी थी और उनको किसी किस्म का कोई हक नहीं था कि वो कहीं पे जाके अपील भी कर सकें उनपे वो डायरेक्ट जो वो वारदातें डाल दी गई थी तो इमरान खान और इस वक्त इमरान खान को मिलाना इन तीन वजरा से मेरे ख्याल है हमद मीर साहब जो है अपनी वो थोड़ी सी कुरेक्शन कर ले वो हमसे बड़े हैं सीनियर है हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो उनकी दिल आजारी हो लेकिन उनको मेरे ख्याल में थोड़ा सा अपने इस रवैये पर अपनी सहाफत पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि वो जिस साइड पे खड़े हों उसी साइड पे खड़े रहना चाहिए इसी में इज्जत में इजाफा होता है वरना जो आज आपका हाल हो रहा है आगे जाके इससे भी बुरा हो सकता है ट्विटर की हद हाँ तक मैं कह सकता हूँ कि लोग आपके बारे में जो कह रहे हैं कम अज कम मेरे आप बड़े रोल मॉडल भी हैं मैं आपको पसंद करता हूँ हमेशा आपको सुना है आपसे बहुत कुछ सीखा है तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है इसलिए हमदीर साहब आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा ख्याल करें आखिर में ग्रहण विग्रम के हवाले से अहम पेशरफ पर बात करेंगे वैसे तो दिन करीब आ गए हैं नौ अगस्त को असम्बली तहलील होनी है यानी एक दो दिन में नगरान वजेम का नाम सामने आ जाएगा लेकिन इससे मुतलक कुछ हिंट मिले हैं बाहबर सहाफी हसन यूब साहब फरमाते हैं नगरान वजेम का तल्लक कम अत कम पंजाब से नहीं होगा यानी जो नाम पंजाब से गर्दश कर रहे हैं वो नहीं होंगे यानी शायद अकान बाग डाग वगैरह तो नहीं मर रहे हैं लेकिन हफीज शेख और बलोचिस्तान से नाम वाले भी लाइट फ्रेम में है लाइट लाइम लाइट में है ये भी तय है कि नवाज शरीफ अपने पत्ते अपने सीने से लगाकर रखते हैं कोई बड़ा सरप्राइज भी दे सकते हैं ये हसन यूब साहब की जो खबरें हैं वो काफी हद तक दुरुस्त होती हैं अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि पंजाब से कोई नहीं आएगा तो हमारा अगला सवाल ये था कि शायद अकान भासी का नाम चल रहा है बहुत तगड़ा नाम चल रहा है अगर आपकी इतला दुरुस्त है तो शायद अकान भासी साहब तो पंजाब से है इसाग डार साहब जाहिर मियाँ मोहम्मद नवाज साहब की अगर च्वाइस है तो वो भी पंजाब से हैं लेकिन अगर उनकी ये खबर उनकी बहुत सारी खबरें पहले दुरुस्त भी हुई हैं हो सकता है उनकी ये खबर भी दुरुस्त हो और हो सकता है खुदा ना करे उनकी ये खबर दुरुस्त ना हो तो हो सकता है कि इसाक डार या जो शायद अकान भास्ता बन जाए असल में होना क्या है कि ये जो जो सेटअप है थोड़ा सा लंबा चलना है इसमें कोई शक नहीं नजर आ रहा है हाथ हो रहा है मेरे 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 ख्याल में सियासतदानों के खिलाफ के साथ हाथ हो रहा है तो सियासतदान जो है ये हाथ होने से बचने के लिए कोई अपना बंदा लेके आना चाहते हैं कि अगर हमारे साथ किसी जगह पे कोई हाथ कर रहा है इस सेटअप को लंबा चलाने के बारे में कुछ सोच रहा है तो कम से कम फिर हमारा अपना बंदा बैठा हो जो कम से कम हम उसको अपने उसको अपने तरीके से कम से कम चला तो सके लंबे सेटअप को कहीं ऐसा ना हो कि बंदा भी बाहर से ले आए और सेटअप भी लंबा चलाएं तो हम फिर हाथ धरे के धर जा आए तो इसलिए मिया मोहम्मद नवाज साहब जो हैं आप पूरी क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में कहा यह जा रहा है कि जो नवाज साहब फैसला करेंगे वो ही फैसला होगा और अगर वो फैसला ये है तो फिर मेरे ख्याल में आपको आने वाले दिनों में मियाँ मोहम्मद नवाज साहब जो है वो फैसला करते हुए नजर आएंगे क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज साहब जो है वही फैसला करेंगे फाइनल फैसला वजे अजम के नाम का मिया मोहम्मद नवाज शरीफ ने करना है इससे पहले भी बड़े बड़े फैसले इस मुल्क के मियाँ मोहम्मद नवाज साहब कर चुके हैं और ये फैसला जो है ये भी नवाज साहब करेंगे अगर पंजाब से नहीं भी बनना तो भी पंजाब से बनेगा अगर फैसला नवाज शरीफ ने करना है तो फिर ये पंजाब से ही बनेगा क्योंकि नवाज शरीफ साहब के जो बड़े नाम जो इस वक्त चल रहे हैं वो चाहे शाह बासी हो चाहे वो इसाक डार साहब हों तो वो तो पंजाब के हैं तो फिर पंजाब का फैसला पंजाब से फैसला कैसे नहीं होगा हसन हसनूर साहब की खबर अपनी जगह पर लेकिन मेरा ख्याल है कि मियाँ मोहम्मद नवाज साहब जो हैं इस वक्त बड़े अच्छी और बड़ी खूबसूरत और बड़ी ठंडी जगह पर बैठे हुए हैं और ठंडी जगह पर बैठ पाकिस्तान के लिए वो फैसले कर रहे हैं जिनके बारे में मुझे और आपको तो कोई किसी किस का हदशा हो सकता है लेकिन मियाँ मोहम्मद हमारे बहुत सारे तहफा हैं कि हकूमत जो है वो जब हुकूमत ये खत्म हो और उसके बाद जितनी जल्दी से इलेक्शन हो ये हमारे तहफात हैं इसलिए कि सियासतदानों को जल्द इलेक्शन सूट करते हैं तगड़ी हुकूमत है और पाकिस्तान की जो मईत अभी सीधी डायरेक्शन में इसाक डार साहब ने और मियाँ मोहम्मद नवाज साहब ने और उसके अलावा ज़ाहिर है शुबाद साहब ने डाली है वो डायरेक्शन कायम रहे ज़्यादा लंबा तगड़ा टाइम लगेगा इसमें कोई और आएगा वो जाकर कोई और चीज़ें इसमें नए तजर्बे करेगा नए एकपीरियंस करेगा तो उसमें फिर मसले मसायल ज़्यादा होंगे ये हमारा मौकफ़ है और मेरे ख्याल में ये बहुत सारे लोगों का भी मौकाफ है कि अगर इलेक्शन लेट होंगे सिर्फ इस वजह से कि एक दो कोई भी बहा, आपने बहाना बनाना इलेक्शन लेट करवाने का जो बना रहे हैं अब अब अगर आपने अभी ये जो नई मरदम शुमारी डिजिटल है इसका अब अभी इस पर काम शुरू किया तो ये चार महीने पहले क्यों नहीं कर सकते थे जब पता था कि इलेक्शन इस पर करवाने हैं तो ये अब अब फैसला क्यों हो रहा है लेकिन इन तफजात के बावजूद एक यकीन ये है कि सब कुछ मियाँ मोहम्मद नवाज साहब के हाथ में है और जो हो रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है तो फिर जाहिर है इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी दोस्तों अपना ख्याल रखें इजाजत दें इन शाह नवाज शरीफ का ही वजे आएगा जैसे नवाज शरीफ का ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है सारे फैसले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही करेंगे मुझे इजाजत दें इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत लूँ गुजारिश आप लोगों से ये है कि आप लोग जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस कर दें लाइक्स करें कमेंट्स करें और जरा ये बताएं क्या वजीर अजम नगरान पंजाब से आ रहा है या किसी दूसरे से आ रहा है सवाल का जवाब जरूर दें ज्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में ये भी लोग शेयर करें और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बात होगी क्या रखें इजाजत दें खुदा